हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साविजय एंड वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम मेथड्स एंड मटेरियल इन ईसीसी, जो आपके डीपीएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसके बाद हमारा सिर्फ मैथ्स यानी डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट इन चिल्ड्रन, सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाएंगे और हमारे बाकी फर्स्ट ईयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपके लिए पीडीएफ क्रिएट कर लूँ, आपको पीडीएफ अरेंज करूँ, तो आप लोग वीडियोस देख लो। उसके बाद मैं सोचती हूँ, देखती हूँ इंस्टाग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूँगी। अभी नहीं, आई थिंक उसमें 20 डेज तो लगेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट का पीडीएफ टाइप करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इन द मीन वाइल आप लोग वीडियोस देखो। तो स्टार्ट करते हैं हम मेथड्स एंड मटेरियल इन ईसीसी। ये छोटा सा सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई ऐसा बड़ा नहीं है। तो सबसे पहला यूनिट वन में तो पूरी ही यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा मॉन्टेसरी, रेडियो, वॉल्डॉर्फ एंड प्रोग्रेसिव अप्रोच। मॉन्टेसरी मेथड करा दिया है, रेडियो करा दिया, हाफ रहना करा दूंगी, वॉल्डॉर्फ भी हो गया है, प्रोग्रेसिव अप्रोच भी हो गया है। उसके बाद अब हमारा आता है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स, नीड फॉर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, सेंसरी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब बताती हूँ, होल्ड ऑन। तो मैंने सिर्फ लिखा है इसमें एक्टिविटीज, क्यों? क्योंकि ये मेथड्स और मटीरियल है, मीन्स आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ पूछी जाएंगी, उसका मेथड पूछा जाएगा, उसका मटेरियल पूछा जाएगा। उसके बाद थ्योरेटिकल तो आपको करना ही करना है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस वाले टॉपिक में आपको फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़, साथ साथ उसका मेथड और उसका मटीरियल, ये भी ध्यान करके रखना है। कोई भी 5 से 10 एक्टिविटीज़ पूछ सकता है, मैंने क्वेश्चन पेपर में भी दिखाया था और आंसर शीट में भी दिखाया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो। इसमें आपको ग्रॉस और फाइन मोटर दोनों लेना पड़ेगा। अब मैं कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल्स की एक्टिविटीज़ लेंगी कि आप बच्चों की कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हो। देन क्वेश्चन है नीड, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आता है। उसके बाद सेंसरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, यानी जो 5 सेंस होते हैं उसकी आप एक्टिविटीज़ कैसे करा सकते हो, आपको बतानी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बतानी है, देन पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बतानी है, और स्कूल रेडीनेस आपका पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक और एक्टिविटी मिस हो गई है हमारी, एस्थेटिक स्किल्स एक्टिविटी। तो आपको एस्थेटिक और क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर बढ़ानी है, उसकी भी एक्टिविटी आपको चाहिए, तो वो भी आपको देखनी पड़ेगी। सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मेथड्स एंड मटीरियल। इसमें कहीं प्रॉब्लम आए प्लीज़ मेंशन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना।